दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, मैं आज एक डिश बना रही हूँ, बहुत ही यूनिक डिश है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये डिश बन जाता है। अगर आप पालक पनीर खा के बोर हो गए हो तो आइए एक डिश ट्राई करते हैं, पालक और आलू से बनने वाले ये नया डिश। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब ये पालक है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। देखिए, इसका पानी भी अच्छे से निकाल लिया मैंने धो के। अब इसको चलिए चलते हैं बनाने के लिए। एक बड़ा सा बर्तन में मैंने पानी बॉयल करके रखा है। इसका गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। इसी पानी में मैं डाल दूंगी ये पालक। अच्छे से डालना है इसको। इसको डाल के छोड़ देंगे ये गर्म पानी में कुछ देर के लिए। इसको उबालना नहीं है, बस ये गर्म पानी में इसको डाल के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। इसको ढक देंगे अच्छे से। पानी ज़्यादा मेरा गर्म नहीं है, मीडियम गर्म है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है एक बर्तन, इसमें कि पानी थोड़ा सा मैंने डाल के रखा है। अब ये आलू को मैं कद्दूकस करूँगी। छोटे छेद वाले से नहीं करना है, ये बड़े छेद वाले से करना है, क्योंकि हमें लच्छे वाले चाहिए आलू। आलू को मैंने छील लिया था अच्छे से। देखिए, इसको डायरेक्ट पानी में ही छीलेंगे, नहीं तो ये फिर काला पड़ जाएगा मेरा आलू। इसी तरीके से इसको घीस लेंगे आलू को। अगर बड़े आलू लिए हैं तो दो आलू, मीडियम साइज़ के आलू हैं तो तीन आलू लीजिए। मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं तो तीन आलू को मैं अच्छे से घीस लूँगी। पानी में ही घीसेंगे, नहीं तो ये फिर काला हो जाएगा। देखिए, सबको अच्छे से मैंने घीस लिया है। इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए, इसका लच्छा कितना मोटा मोटा हुआ है। इसी तरीके से लच्छा मुझे चाहिए, इसी तरीके से करना है इसको। इसको छोड़ देते हैं, तो पानी में छोड़ देंगे। चलिए आगे का प्रोसेस को चेक कर लेते हैं। देखिए, पालक मेरा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे छलनी से। तो पहले चूल्हे पर सिकार लेते हैं, इसको इसका पानी सारा निकाल लेंगे। किसी बड़े जैसा बर्तन में डालेंगे इसको, तो थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे। देखिए, इसको मैंने से पानी से अच्छे से इसका निकाल लिया है। इसको जार में मैंने निकाल के रखा है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालूंगी, घिस के मैंने रखा है इसको, अदरक को। और ये 8-10 कली लहसुन का है, इसको भी डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल बारीक मैंने पीसा है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए, ये मैंने आलू घिस के रखा था। देखिए कितना सफ़ेद है ये। सफ़ेद इसलिए क्योंकि इसको मैंने पानी में डाल के रखा था। अब इसको क्या करेंगे, इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। एक प्लेट में इसको निकालेंगे, इस तरीके से निकालना है। देखिए, इसको मैंने थाली में निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें मैं प्याज डालूंगी। देखिए, 3-4 प्याज मैंने काट के रखा था इस तरीके से, इसको भी डाल देंगे। इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। टेबल स्पून डाले जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है ये, 1 टेबल स्पून। ये धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और इसको बाइंडिंग करने के लिए बेसन डालेंगे। अब इसमें डालेंगे बेसन, 1 कटोरी के करीब मैंने बेसन डाला है। अब इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसको पहले अच्छे से इसी तरीके से मिलाएंगे। ये प्याज और आलू पानी रिलीज करेगा, इसी की वजह से मैं पानी इसमें नहीं डाल रही हूँ। देखिए, इस तरीके से इसको मिलाना है। ये अच्छे से बिना पानी डाले ही अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है इसका। देखिए, इसी तरीके का मुझे चाहिए था। अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा गीला
तो आप इसमें बेसन और डाल सकते हैं। लेकिन मेरा ये परफेक्ट बना है। बैंड कितने अच्छा से हो रहा है, इसका बैंडिंग देखिए। इसको तलेंगे, छोटे छोटे बॉल्स बना के इसको तल लेते हैं। देखिए तेल मेरा गरम हो गया है दोस्तों, अब इसको डालेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े साइज में नहीं डालें, इस तरीके से। मैंने डाल दिया इसमें पकौड़ी के लिए। अब इस थोड़ा सा सीख जाएगा, उसके बाद फिर इसको पलट देंगे। चलिए इसको पलट लेते हैं। देखिए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से पकाएंगे अच्छे से। एक साइड से ये पक गए हैं, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से इसको अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगता है ऐसे तो। इससे आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज इसको ऐसे नहीं खाएंगे, इसको कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। कुछ चावल के साथ या फिर रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में दोस्तों। दोनों साइड से ये सीख गए अच्छे से, अब इसको निकाल लेते हैं आराम आराम से। इसको पेपर पे निकालेंगे ताकि जो भी तेल है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए पेपर में। पेपर या फिर टिश्यू पेपर आपके पास जो भी है आप उसमें निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और मेरा देखिए बच गया था, इसे भी छान लेंगे अच्छे से। इसी तरीके से इसको भी तलना है दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक। ये सारे पकौड़े मैंने अच्छे से तल लिए हैं। देखिए चलिए आगे प्रोसेस की और चलते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे तेल, 4-5 चम्मच तेल डालेंगे, कोई सा भी तेल ले सकते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग और 1 चम्मच जीरा। सबको अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए भून गया मेरा तड़का। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को अच्छे से गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज को आप कद्दूकस करके भी डालिए, या तो फिर जिस तरीके से मैंने काटा है, बहुत ही बारीक मैंने काटा है, इसी तरीके से काट के डालिए, या फिर कद्दूकस करके डालिए। इसको पीस के नहीं डालिए, पीस के इसको नहीं डालना है। इसको भून लेंगे अच्छे से। देखिए मेरा प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब जब भी ग्रेवी बनाएं, ग्रेवी वाली सब्जी, तो अब प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएं, इससे अच्छा उसका ग्रेवी बनता है। चलिए इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। मिला लेंगे अच्छे से, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये मसाला फिर मेरा जल जाएगा। इसको हल्के से मिलाएंगे, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस ये भून गया मेरा मसाला। अब इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ पालक, इसको भी भूनेंगे अच्छे से। अब क्या करेंगे, जो मिक्सर में, जो मिक्सी के जार में जो मेरा बच गया है, इसको भी भून के अच्छे से डाल देंगे। इसको भी मैंने डाल दिया, इसको मिला लेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक इससे तेल रिलीज ना होने लगे। इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ना ये इसका कच्चापन इससे दूर हो जाए, 5-6 मिनट तक। जब तक मेरा पालक पक रहा है, दही लिए हैं 1/2 कटोरी, इसको अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी वाली सब्जी जब भी आप बनाइए तो फेंट के दही डालिए, उससे अच्छा इसका ग्रेवी बनता है। अच्छे से फेंट लेंगे 2-3 मिनट।
दोस्तों मेरा ये पालक अच्छे से भुन गया है, इसके साइड से तेल रिलीज होने लगा है। इसी टाइम में इसमें दही डालूंगी, गैस का फ्लेम कम रखेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें दही। दही डालते जाएं और मिलाते जाएं, नहीं तो फिर फट जाएगा। इसको मिला लेंगे अच्छे से। क्या करेंगे इसमें पानी डालेंगे, पानी गरम करके डालें दोस्तों, इससे अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, दही वाला ही कटोरी है मेरा, जो भी इसमें दही बचा हुआ था उसको मैंने धो के अच्छे से दे दिया है। इसको मिला लेंगे। इसका ग्रेवी थोड़ा पतला रखेंगे क्योंकि इसमें पकौड़ी डालेंगे तो फिर ये एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसको पतला रखेंगे थोड़ा ग्रेवी को। और इसको मैं चावल के साथ खाऊंगी, तो चावल के साथ थोड़ा ग्रेवी पतला ही रहने से खाने में मज़ा आता है दोस्तों। थोड़ा और इसमें पानी डालेंगे, सब नहीं डालेंगे, इसको अच्छे से उबाल आने तक चला लेंगे, मिलाते रहेंगे इसको। उसके बाद इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक मैंने पकौड़ी में डाला है इसलिए कम ही डालेंगे। इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। देखिए मेरा करी उबल गया है। अब इसमें क्या करेंगे, आधा चम्मच चीनी डालेंगे। इससे क्या होता है, पालक का जो कसैलापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा मिला देंगे, गैस का फ्लेम तेज कर देंगे कि उबल भी गया है। अब इसमें पकौड़ी डाल देंगे। थोड़ा इसको गैस का फ्लेम कम कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पकने देंगे। इसको 2-3 मिनट पकने देंगे, ऐसे ही खुले में ही रहने दें, इसको ढके नहीं। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसको ज़्यादा आप नहीं पकाएंगे नहीं तो ये पकौड़ी जो है सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इसका कंसिस्टेंसी इस तरीके से मैंने रखा है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब इसको क्या करेंगे, गैस कर देंगे बंद, सर्व करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको सर्व करेंगे चावल रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप खाइए, चावल के साथ ज़्यादा ये मज़ेदार लगता है खाने में दोस्तों। इस तरीके से बना के खिलाइए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जो पालक नहीं भी खाते हैं इस तरीके से बनने पे वो खाने लगेंगे पालक। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, मज़ा आ जाएगा खाने में दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा आज का रेसिपी बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर मैं एक नए वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी। इसको डालेंगे इस पे चावल पे और ये डालें ग्रेवी, मस्त है दोस्तों। और ये इस तरीके से मिलाएं, बहुत गर्म है, देखिए कितना मस्त हुआ है दोस्तों। जो पालक नहीं भी खाते इस तरीके से बना के खिलाइए।